अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे व्यूवर्स की तरफ से हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम कोरोना वायरस यानी कि COVID-19 पर वीडियो बनाएं। सो फ्रेंड्स, अब देखेंगे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मिथ्स हो रहा है COVID-19 को लेकर, कि ये खाना चाहिए इससे COVID-19 नहीं होगा, या वो खाना चाहिए उससे COVID-19 नहीं होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई फूड अभी तक जो है बताया नहीं गया है, रिसर्च ने साबित नहीं किया है जो खाने से COVID-19 नहीं होगा। तो बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे कि कहा जा रहा है कि लेमन, गार्लिक, विटामिन सी रिच फूड का इस्तेमाल करने से और कीटोजेनिक डाइट लेने से कोरोना वायरस नहीं होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब सिर्फ मिथ्स है, इसका फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको गाइडलाइंस बताने वाले हैं, वो जो है इंशाल्लाह आपको बहुत यूज़फुल होगी। अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदे उससे जो है फ़ायदा भी मिलेगा आपको। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन और सही मात्रा में पानी पीना, यानी कि बॉडी को हाइड्रेट रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कि जो लोग वेल बैलेंस डाइट खाते हैं, वेल बैलेंस डाइट लेते हैं, हेल्दी भी रहते हैं और साथ में उनका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से उन्हें क्या होता है, किसी भी किस्म की बीमारी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कोई भी तरह के इन्फेक्शंस, कोई भी तरह के वायरसेस उनको जल्दी अटैक नहीं करते। इसीलिए जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने कुछ गाइडलाइंस दी है, उन्हें मैं जो आपको बताऊँगी उन्हें प्रॉपरली फॉलो करना है आपको। जैसे कि उन्होंने बताया कि फ्रेश एंड अनप्रोसेस्ड फूड जो है वो लेना है हमें, यानी कि हम जो फ्रेड फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, वो सब फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। उसी तरह हमें लेग्यूम्स यानी कि होल दाल, अक्खी जो दालें होती है उनका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि लेंटिल्स है, बीन्स है, उनका इस्तेमाल करना है। इसी तरह होल ग्रेन में जो है वो अनप्रोसेस्ड मेज़ हो जाती है, ओट्स, गेहूँ यानी कि वीट, ब्राउन राइस, स्टार्ची फूड में जैसे कि पोटैटो, याम, ये सब चीज़ें हमें लेना है। इसी तरह जो हमें नट्स का इस्तेमाल भी करना है, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे हमारे लिए। फ्रेंड्स, एनिमल सोर्सेज में जो है वो हमें मीट, फिश, एग्स, इनका इस्तेमाल जो है वो करना है। इनका जो है वो रिकमेंडेड डोसेज क्या होना चाहिए, बिकॉज बैलेंस डाइट, जब मैं कह रही हूँ कि बैलेंस डाइट लेना है तो ये सब चीज़ें तो लेना है, फाइन, बट इसका रिकमेंडेड डोसेज क्या है? सो फ्रेंड्स, आपको जो है वो फूड यानी कि फ्रूट जो है वो एटलीस्ट 3-4 सर्विंग लेना है, यानी कि जो एक मीडियम साइज अगर एप्पल है फॉर एग्जांपल, तो उतना फूड आपको जो है वो दिन भर में 3-4 बार लेनी है। उसी तरह वेजिटेबल भी जो है आपको 4-5 सर्विंग वेजिटेबल्स की लेनी है। और उसके बाद में क्या होगा, आपको जो मैंने कहा ग्रेन, तो ग्रेन की 5-6 सर्विंग लेनी है। देखो, ग्रेन्स में जो है वो आपकी चपाती भी आ जाएंगी, ब्राउन राइस भी आ जाएगा, ओट्स भी आ जाएगा, ये सब जो है उसमें इंक्लूड हो जाता है। उसके साथ में जो है वो मीट जो है वो आपको वीक में सिर्फ एक बार लेनी है, 1-2 बार, ज़्यादा नहीं लेना है। और चिकन जो है वो 2-3 बार आप ले सकते हो। सो फ्रेंड, जब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन की, तो उसमें जो है वो पानी भी आ जाता है। पानी जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, तो हमें 8-10 ग्लास पानी पीना है दिन भर में। और क्योंकि पानी सबसे बेस्ट है, बट इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कोई दूसरी ड्रिंक लेना तो आप ले सकते हो, जैसे कि लेमन वाटर आप ले सकते हो, लेकिन मेक श्योर लेमन वाटर में जो है वो शुगर नहीं होना चाहिए, शुगर हमें अवॉइड करनी है। इसी तरह आप टी और कॉफ़ी भी ले सकते हैं, पर ध्यान रहे इसमें भी कैफीन होता है, तो इसको भी हमें ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। फ्रूट जूसेस, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, उनको जो है अवॉइड करना है। इसी तरह हमें जो है वो फैट्स एंड ऑयल का इस्तेमाल भी कम करना है। फ्रेंड्स, हम जब बात करते हैं ना वेल बैलेंस डाइट की, तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाटर, ये सब जो है उसमें इंक्लूडेड होता है। तो अब हम जो है बात कर रहे हैं फैट्स की, तो फैट्स एंड ऑयल का इस्तेमाल भी कम करना है, और हमें जो है वो अनसेचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अनसेचुरेटेड जो फैट्स है वो फिश में हमें मिलता है, एवोकाडो में मिलता है, नट्स में, ऑलिव ऑयल में, सोया ऑयल में, कैनोला ऑयल में, सनफ्लावर, कॉर्न ऑयल में होता है। इसी तरह जो हमें डेयरी प्रोडक्ट भी जो है बहुत लो फैट डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं। अगर हम जो है मिल्क का इस्तेमाल करें तो लो फैट हो, इसी तरह अगर हम कर्ड भी यूज़ कर रहे हैं तो वो लो फैट कर्ड होना चाहिए। उसके बाद में सॉल्ट और शुगर, इनका भी जो इस्तेमाल जो हमें बहुत ही कम करना है, क्योंकि क्या होता है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा, इनमें जो है वो शुगर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हमने पहले ही कहा कि कार्बोनेटेड ड्रिंक को अवॉइड करना है, तो इसीलिए जो है सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा भी जो है वो टोटली अवॉइड करना है। टोटली उसके साथ में जो है वो कुकीज़, केक, चॉकलेट, इनको भी अवॉइड करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा शुगरी होते हैं। सो फ्रेंड्स, इन गाइडलाइंस को फॉलो करने के साथ साथ जो हमें हमारी गवर्नमेंट आदेश दे रही है हमें उसे भी फॉलो करना है। हमें लॉकडाउन का ख्याल रखना है,
हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, क्योंकि क्या होगा, कोरोना वायरस से हम तभी बच सकते हैं जब हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।